अच्छा जी, अब आपका ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो ठीक है, जिन दोस्तों को थोड़ा बोरिंग लग रहा है या कुछ ऐसा है, तो वो असल में उनको स्टडी करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके अंदर पैशन मतलब नहीं है या स्टडी करने का दिल नहीं कर रहा, तो आप ये नहीं कह सकते यार ये बोरिंग है या ये बातें ही कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रिटिक्स भी होने चाहिए, लेकिन पॉजिटिव क्रिटिक्स हों, नेगेटिव क्रिटिक्स ना हों। और क्वेश्चन आंसर बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी अली हैदर भाई ने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो वो हमने डिस्कस किया। तो इसमें किसी और की भी राय हो तो मोर देन वेलकम, और हमें खुशी होगी यार अगर एक बंदे ने अपनी राय दी है, तो उसमें बल्कि खुशी होती है कि यार, ताकि हमें पता चले यार हम लोग सब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं क्लास में, ये नहीं है कि यार, भाई और सिर्फ। शंकर भाई, ये जो पाइथन 2 या नाम इस तरह रखे हैं, कोई थोड़ा सा वो अपने ओरिजिनल नेम से है ताकि पता लगे कौन भाई क्लास में बैठे हैं, क्या नाम है, क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा ये भी है कि पाइथन पार्टिसिपेंट्स टू इस या तरह पाइथन 3, आई एम खान या इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो अपना बिल्कुल पूरा नाम एक्सेप्टेबल है। लिखें। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही कह अपना रहे हैं। नाम लिखें ताकि हमें पता चले भाई कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यार रियल नेम से करें। ठीक है, ताकि पता रहे यार को किसकी क्या वहीं के परफॉर्मेंस है। तो इमरान भाई ने भी आई एम खान लिखा हुआ है, तो हमें पता है कौन सा खान है यार, ये खान कहाँ से आया है। सर, वो इमरान खान से ठीक लोग काफी ज्यादा इस वक्त गुस्से में है, तो मैं थोड़ा सा ना हल्का टच दिए। है, चलें ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर। बेसिकली मैं नहीं पढ़ सका तो फिर रीडिंग ही करेंगे, तो जहां पे किसी को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो फिर डिस्कस कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहीं से शुरू करते हैं। कल हमने यहीं से ब्रेक किया था, तो मॉनिटर की तरह मैं करूंगा, पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। ठीक है, अगर किसी को अच्छी आवाज नहीं लगती तो वो म्यूट कर ले प्लीज। अच्छा जी, अराउंड 2010 थ्रू ऑल्दो न्यूरल नेटवर्क वर ऑलमोस्ट कंप्लीटली शन बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी एट लार्ज, अ नंबर ऑफ पीपल स्टिल वर्किंग ऑन न्यूरल नेटवर्क स्टार्टेड टू मेक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज। द ग्रुप्स ऑफ जेफरी हिंटन एंड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एंड दीज पीपल इन 2011 दिस गाय बिगेन टू विन एकेडमिक इमेज क्लासिफिकेशन कंपिटिशन विद द जीपीयू ट्रेन डीप न्यूरल नेटवर्क्स। अच्छा, द फर्स्ट प्रैक्टिकल सक्सेस ऑफ मॉडर्न डीप लर्निंग, बट द वाटरशेड मोमेंट केम इन 2012 विद द एंट्री ऑफ हिंटन ग्रुप इन द ईयरली लार्ज स्केल इमेज क्लासिफिकेशन चैलेंज इमेज नेट। तो इमेज नेट जो है 2012 के अंदर जो है ना वो स्टार्ट हुआ। तो द इमेज नेट चैलेंज वॉज नोटोरियसली डिफिकल्ट एट दैट टाइम, कंसिस्टिंग ऑफ क्लासिफाइंग हाई रेजोल्यूशन कलर इमेजेस ऑफ 1000 डिफरेंट कैटेगरीज आफ्टर ट्रेनिंग ऑन 1.4 मिलियन इमेजेस। तो आपका जो ये पहला प्रॉब्लम इमेज क्लासिफिकेशन का जो उन्होंने किया था इमेज नेट के ऊपर, वो उसमें 1000 डिफरेंट क्लासेस थी इमेजेस की, जैसे कि घोड़ा बिल्ली है, डॉगी है, हाथी है, शेर है, ठीक है, मेज है, कुर्सी है, कंप्यूटर है, चारपाई है, ये अलमारी है, डेस्क है, एटसेट्रा। तो इसमें 1000 हाउस होल्ड पिक्चर्स, 1000 किस्म की इनके क्लासेस थी, जानवर थे, परिंदे थे, एटसेट्रा। तो 14 लाख इमेजेस थी जिसके ऊपर ये इन्होंने किया, और उस वक्त जो एक्यूरेसी आई थी उस वक्त वो थी 74.3। ठीक है, और उसके बाद जो है देन एक टीम ने की दोबारा उसके ऊपर काम किया, तो एक्यूरेसी आई 83.6। उसके बाद जो है इसके ऊपर मजीद काम हुआ, तो कॉन्वोल्यूशन इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, और वो कॉन्वोल्यूशन जो है उस 2015 में इंट्रोड्यूस की गई CNN, जो आपका कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स में। तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ के 74 से देखें कहाँ पे आ गई, 96, यानी कि 22% हमें ज़्यादा एक्यूरेसी मिल गई CNN के जरिए। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया आपका 2015 में, यानी कि इट वॉज सेट टू बी सॉल्व एट दैट टाइम। सिंस 2012 डीप कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क कन्वेंस हैव बिकेम द गो टू एल्गोरिदम फॉर ऑल कंप्यूटर गेम टास्क, मोर जनरली दे वर्क ऑन ऑल परसेप्चुअल टास्क। आपके जो भी कितने विजन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर आपका जो है ये न्यूरल नेटवर्क का जो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का जो आपका टेक्निक है वो इस्तेमाल होती है।
at any major computer vision conference after 2015, it was nearly impossible to find presentations that did not involve convolutions in some form. तो आपके convolutional neural networks जो हैं हर जगह यूज हो रहे हैं अब. At the same time, deep learning has also found application in many other types of problems such as natural language processing. ठीक है, इसीलिए इस तरह से आपके जो डीप लर्निंग में जो है आपकी ये ट्रांसलेशन है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन है या क्लासिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन है या मूवी रिव्यूज क्लासिफिकेशन है, ये सारे काम जो है सारे के सारे ये अब डीप लर्निंग से ही हो रहे हैं. तो डीप लर्निंग में आपका ये सारा जो RNN है, ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें जो है आपका एम्बेडिंग है, ये सारा इसमें ही आ जाता है. इट हैज कम्प्लीटली रिप्लेस्ड SVMs एंड सीएन ट्री इन अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस. फॉर इंस्टांस, फॉर इयर्स द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यूज डिसीजन ट्री बेस्ड मेथड्स फॉर एनालाइजिंग पार्टिकल डेटा फॉर एटलस डिटेक्टर इन एट लार्ज एट दिस लैब्स. तो अपनी लैब्स में वो जो है आपके न्यूक्लियर रिसर्च में आपके क्या इस्तेमाल करते थे, वो डिसीजन ट्रीज इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन्होंने शिफ्ट कर लिया अपना फोकस केरस के ऊपर, केरस बेस्ड डीप लर्निंग नेटवर्क्स. तो उन्होंने उससे जो है उनको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिली. अब क्या कहता है कि व्हाट मेक्स डीप लर्निंग डिफरेंट, डीप लर्निंग डिफरेंट क्यों है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि इमरान भाई ने कहा कि इस तरह की चीज़ जो है हम मजीद इसको फर्दर एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं कि भाई डीप लर्निंग ही क्यों, ठीक है, डीप लर्निंग ही जो है क्यों इस तरह इंपॉर्टेंट है या उसकी क्या पॉजिटिव साइड है. द प्राइमरी रीजन डीप लर्निंग टुक ऑफ सो क्विकली इज दैट इट ऑफर्ड बेटर परफॉर्मेंस फॉर मेनी प्रॉब्लम्स, बट दैट्स नॉट ओनली द रीजन. डीप लर्निंग ऑल्सो मेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मच इजियर बिकॉज इट्स कम्प्लीटली ऑटोमेट्स वट यूज टू बी द मोस्ट क्रुशियल स्टेप इन मशीन लर्निंग वर्क फ्लो इज फीचर इंजीनियरिंग. आपके मशीन लर्निंग में जो है ना आपको खुद से फीचर इंजीनियरिंग करनी पड़ती थी, आपको फीचर नए फीचर बनाने पड़ते थे, डाटा को जो है बहुत क्लीन करना पड़ता था और बहुत सारा काम आपको खुद से करना पड़ता था जो कि एक टीडियस टास्क होता था. ठीक है, प्रीवियसली मशीन लर्निंग टेक्निक्स शैलो लर्निंग जो है, ठीक है, शैलो लर्निंग में क्या होता था, ओनली इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट डेटा इनटू वन और टू सक्सेसिव रिप्रेजेंटेशन स्पेस. तो आपके पास जो हम जो डेटा जब डालते हैं मशीन लर्निंग के मॉडल के अंदर, तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक या दो लेयर्स या एक या दो रिप्रेजेंटेशन आती हैं डेटा की. ठीक है, यूजली वाया सिंपलर ट्रांसफॉर्मेशन सच एज हाई डायमेंशनल नॉन लीनियर प्रोजेक्शंस SVM. तो SVM में क्या होता है कि आपके मिसाल के तौर पे बहुत ह्यूज डेटा है, बहुत ज़्यादा उसमें फीचर्स हैं, मिसाल के तौर पे उसके अंदर 100 फीचर्स हैं. तो SVM क्या करती है, SVM बेसिकली करती ये है कि बहुत ज़्यादा ह्यूज डायमेंशन हाई डायमेंशनल डेटा को जो है ना वो लो डायमेंशनल स्पेस के अंदर ले आती है. ठीक है, और इस तरीके से डिसीजन ट्रीज जो हैं तो ये क्या करते हैं, बहुत आपके जो हाई डायमेंशनल डेटा को लो डायमेंशनल में ला के फिर उसके जो है आपको उसके देती है रिजल्ट्स. बट द रिफाइंड रिप्रेजेंटेशंस रिक्वायर्ड बाय कम्प्लेक्स प्रॉब्लम जनरली कैन नॉट बी अटेन्ड बाय सच टेक्निक्स. ठीक है, लेकिन उसकी जो आपकी जो रिप्रेजेंटेशंस हैं मिड लेवल के ऊपर, ठीक है, उसकी जो है आपकी जो उस तरह की रिक्वायर्ड कम्प्लेक्स अगर प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है उससे हम इतना ज़्यादा उससे आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा अटेंड नहीं हो सकती. ठीक है, एज सच ह्यूमन हैड टू गो ग्रेट लेंथ टू मेक द इनिशियल इनपुट डेटा मोर अमेनेबल टू प्रोसेसिंग बाय दीज मेथड्स. ये बात वही बात होगी कि आपको अपने डेटा को उसमें फीड करने के लिए मशीन लर्निंग में बहुत सारा काम करना पड़ता है पहले. ठीक, दे हैड टू मैनुअली इंजीनियर गुड लेयर्स, ठीक है, ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर देयर डेटा. दिस इज कॉल्ड फीचर इंजीनियरिंग. ठीक है, डीप लर्निंग ऑन द अदर हैंड कम्प्लीटली ऑटोमेट्स दिस स्टेप. विद डीप लर्निंग यू लर्न ऑल फीचर्स इन वन पास रादर देन हैविंग टू इंजीनियर देम योरसेल्फ. ठीक है, दिस हैज ग्रेटली सिंप्लीफाइड मशीन दिस हैज ग्रेटली सिंप्लीफाइड मशीन लर्निंग वर्क फ्लोज ऑफन रिप्लेसिंग सोफिस्टिकेटेड मल्टी स्टेज पाइपलाइन विद अ सिंपल सिंगल सिंपल एंड टू एंड डीप लर्निंग मॉडल. ठीक है, यू मे आस्क इफ द क्रक्स ऑफ द इशू इज टू हैव मल्टीपल सक्सेसिव लेयर्स फॉर रिप्रेजेंटेशन, कुड शैलो मश मेथड्स बी अप्लाइड रिपीटेडली टू एमुलेट द इफेक्ट्स ऑफ द डीप लर्निंग. मतलब वो कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक अगर हमने एक दफ़ा मशीन लर्निंग को यूज़ किया है तो क्या हम बार बार वही लेयर्स या वही उसी किस्म के मेथड को यूज़ करके या उनको कंबाइन करके सिक्वेंशली हम क्यों नहीं अटेंड कर सकते शैलो मशीन लर्निंग के उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट के अंदर वही चीज़ जो हम डीप लर्निंग में करते हैं.
अब वो इन प्रैक्टिस सक्सेसिव एप्लीकेशंस ऑफ शैलो लर्निंग मेथड्स प्रोड्यूस फास्ट डिमिनिशिंग रिटर्न्स। फास्ट डिमिनिशिंग रिटर्न्स यानी कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट नहीं आएंगे, ठीक है। आपके अगर सक्सेसिव आप लेयर्स लगाएं डीप शैलो मशीन लर्निंग की, सक्सेसिव लेयर्स हों, तो आपके रिजल्ट्स जो है डिमिनिश हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज द ऑप्टिमल फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन लेयर इन द थ्री लेयर मॉडल इज नॉट द ऑप्टिमल फर्स्ट लेयर इन अ वन लेयर और टू लेयर मॉडल, ठीक है। इसमें जो है आपके पास, बिकॉज द ऑप्टिमल फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन लेयर इन अ थ्री लेयर मॉडल इजेंट द ऑप्टिमल फर्स्ट लेयर इन अ वन लेयर और टू लेयर मॉडल। इसका मुझे समझ नहीं आया, इसका कोई, इसको जरा डिस्कस करें। जा भाई, जा भाई बैठे। सर, वो ये कहना चाह रहा है कि क्योंकि जब आप इनके जब नंबर ऑफ लेयर्स आप चेंज करते हैं ना एक मॉडल के अंदर, एक मॉडल के अंदर थ्री लेयर्स हैं, कहते हैं अगर हम सक्सेस, पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि अगर मल्टीपल लेयर्स ही डीप लेयर्स को डीप ही करना है तो मल्टीपल लगा लें, लेकिन कहते हैं कि जब हम कोई थ्री लेयर का एक मॉडल लगा के उसके ऊपर फिर अगर उसके आगे एक वन लेयर का लगाएं या टू लेयर, तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन जो थ्री थ्री लेयर की जो पहली होगी जो जो उसके लिए ऑप्टिमल है, वो लाजमी नहीं कि जो वन लेयर वाला होगा या टू लेयर वाला दूसरा आप लगाएंगे तो उसकी भी वही हो। हर एक का आपने जो डाटा अच्छा को आपने अच्छा ट्रांसफर, क्योंकि आप फीचर इंजीनियरिंग करके वो कर रहे होते हैं तो इसलिए हर एक को आप डिफरेंट वे से ट्रीट करना होगा, तो डिफरेंट आप हर दफा यही करते रहेंगे, मतलब ये आपकी बहुत ज्यादा कुश्ती हो जाएगी डाटा के साथ, और हर एक नहीं, की अपनी असल जब आप एक ये मॉडल असल बनाते हैं तो में खास खास फॉर्म में लाने होते हैं। असल ये एक आपका ये लेयर नंबर, ये आपका पहली पहला मॉडल है, ठीक है। ये मशीन लर्निंग का मॉडल है। जी आगे जी आप एक और लगाते हैं, उसके दो लेयर्स हैं, ठीक है। तो इसकी जो आउटपुट होगी यहाँ से, अगर इसकी इनपुट बने तो इसकी जो आपके यहाँ पे इनपुट है, फर्ज किया ये ऑप्टिमल है, लेकिन इसकी जो यहाँ पे आएगी वो हो सकता है वो ऑप्टिमल ना हो, इसकी आउटपुट, ठीक है। ऐसे ही है, यानी कि आपका ये मॉडल, आपका मॉडल वन है, ठीक है, मशीन लर्निंग में, शैलो मशीन लर्निंग में। ये मॉडल टू है, ठीक है। तो आपने क्या किया, दो 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 आपने एक, इसमें तीन लेयर्स हैं, इसमें दो लेयर्स हैं, आपने इनको वो किया, इसकी आउटपुट को आपने इसकी इनपुट बनाया ऐसे, तो यही बात कर रहा है या कोई और कॉन्टेक्स्ट है? नहीं, वो ये कह रहा है कि जो इसकी सेकंड आपने कही है ना, इसकी जो पहले वाली है लेयर और जो पहले वाला था उसकी जो पहली लेयर है वो उनको कंपेयर कर रहा है, लाजमी नहीं कि दोनों सेम हो, वो जो उसकी जो बन रही है वो भी सेम हो, तो इसलिए सक्सेसिव लगाने से आपको यानी कि ये मल्टीपल आप इनको स्टैक नहीं कर सकते, हर एक की नेचर डिफरेंट होती है, आप अच्छा किस तरह से अपने उसको जो आप वो ट्रीट करना चाह रहे हैं, इसलिए जो शैलो जो मेथड्स होते हैं वो अगर आप स्टैक भी कर दें मल्टीपल, तो इस वजह से क्योंकि इमिडिएटली आपको यही होता है ना, इजीली ट्रैप आता है कि अगर मल्टीपल लेयर्स लगा के ही हम वही वाला डीप लर्निंग वाला कर लें कि इसके अंदर 5 6 7 जो इस तरह से लेयर्स लगा दें, तो कहते हैं वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो डिफरेंट ट्रीट करेगा कि वो एक तरह की जो आपने मॉडल के अंदर तीन लेयर्स हैं, एक मॉडल डिफरेंट है, वो वन लेयर आपने इनको स्टैक कर दिया है, तो उसकी जो पहले पहले मॉडल की जो पहली जो लेयर है वो अगर उसके उसके लिहाज से वो उसकी ऑप्टिमल वो बन रही है, लाजमी नहीं कि जो दूसरे जो मॉडल था टू लेयर वाला लिया है या वन लेयर वाला लिया है उसकी भी पहली वैसे ही ऑप्टिमल हो, तो इट विल बी अच्छा डिफरेंट, ठीक है, तो यू हैव टू चेंज, मतलब वो ये हो सकता है चेंज करना पड़े शेप डाटा की, कोई भी रीजन हो सकती है, तो इसलिए वो ये कह रहा है कि हर एक की वो नेचर उसको जब मॉडल करते हैं तो उसकी वो डिफरेंट होती है, तो आप इसे मल्टीपल स्टैक कर देंगे तो वो तो आप इसी के अंदर ही आप असल काम की तरफ आने के बजाय आप इन्हीं की एक दूसरे की ट्रांसफॉर्मेशन में और ऑप्टिमल में खो जाएंगे, एक्चुअल जो चीज है वही निकल जाएगी, एक्चुअली वो कहना ये चाह रहा है। जैसे जैसे कि आपका, यानी कि ये मॉडल मॉडल वन है, ये आपका तीन लेयर है इसमें, ठीक है, ऐसे तीन लेयर्स हैं, और मॉडल टू है, मॉडल टू में दो लेयर्स हैं, मिसाल मिसाल के तौर पर मॉडल थ्री है, ये शैलो की बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक ही लेयर है, तो इसके अंदर जो है वो कह रहा है कि इसकी हो सकता है कि इसकी इसकी ऑप्टिमल ज़्यादा हो, यानी कि ये जो है इसकी ऑप्टिमल जो एफिशिएंसी है, जो जो आउटपुट है वो कम हो,
ठीक है, हो सकता है इसकी नहीं ज्यादा हो, इनपुट की इसकी पहले कम पहले हो। पहले वो पहले फर्स्ट फर्स्ट लेयर की बात कर रहे हैं, इनकी पहली पहली जो भी फर्स्ट लेयर होगी वो कहता है उसको जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हो ये सकता है वाली जो पहले के लिए इस हाँ जो इस हाँ ये पहले वाली उसके अगले की पहली वाली को और उससे अगले वाले की पहली वाली को कंपेयर कर रहा है, तो यानी ये कहता है लाजमी वाली नहीं कि जब हम या उस ये वाली। मॉडल के लिए उसको शेप करते हैं ना खास तरीके से, तो वो लाजमी नहीं जो इसकी ऑप्टिमल लेयर है वो उसके भी दूसरे की भी पहली उसको आप पहले के लिए वो फिट नहीं कर रहा, कहता है कि वो उसके साथ ऑप्टिमल नहीं होगी, उसकी हो सकता है कि आपको चेंज करना पड़े ऑप्टिमल बनाने के लिए। तो इसलिए वो पॉइंट उसके कहने का मकसद यह है कि इस तरह मल्टीपल मॉडल्स को आप स्टैक करके यू कैन नॉट अचीव योर गोल, ठीक है कि आप इसको डीप इस तरह से मतलब आर्टिफिशियल वे में अगर इसको आप डीप बनाने की कोशिश करेंगे इट वोंट बी वर्किंग, कहने का अच्छा, मकसद मैंने ये। अभी उसमें, अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा, तो इसको आगे पढ़ते हैं यहाँ से। ठीक जी, बाकी एक से टेक ले लें, बाकी अगर किसी का है चलें, ये तो मतलब वो हमने कहा है, ये तो टेक्स्ट जो कह रहा था हमने वो ही कहा है। जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई इसमें अपने कुछ ऐड लड़ान करना भाई अब्दुल चाहे तो? अब्दुल्ला भाई कोई और भाई इशारा यार कोई बाकी बोला करें, अली बोल रहे हैं और भी हैं, प्लीज डू गिव योर इनपुट, हो सकता है कोई अच्छा पॉइंट आपके जहन में हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यार आपने सही कहा, जो एक लेयर के जो एक मॉडल की जितनी लेयर्स हैं लाजमी नहीं है कि दूसरे मॉडल में सिमिलर लेयर्स हों तो वो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिलेगी। दूसरी मॉडल में लेयर्स डिफरेंट भी हो सकती हैं, उसका बस मेन जो बात करने का मकसद है वो यही है। आपने अच्छा, अली बेहतर भाई ने क्वेश्चन पूछा है, उनका माइक बंद है, तो वो कह रहे हैं कि इज दिस द लाइक बॉटल नेक प्रॉब्लम और समथिंग एल्स? नहीं, बॉटल नेक नहीं है ये, अभी थोड़ा सा, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल में। हम आगे पढ़ेंगे ना, तो इसमें थोड़ा सा मजीद डिटेल ऐड होगी। बॉटल नेक नहीं में नहीं ये वो होता है पॉइंट कि ये जब करना चाह रहा है कि शेल नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ाने से आपका कोई भी मॉडल जो है नॉर्मल जो शैलो मॉडल है वो डीप नहीं बन जाएगा, इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ लेयर्स, वो एक्चुअली पॉइंट वो मेक करने की ये कोशिश कर रहा है कि जो नेचर ही डिफरेंट है शैलो जो मॉडल्स होते हैं और SVM की आप जितनी मर्जी लेयर्स बना लें ठीक है, या इवन ग्रेडियंट बूस्टिंग की जितनी मर्जी, या ये जो है फॉरेस्ट है आपका जो है उसकी जितनी मर्जी बना लें, तो कहता है कि वो पर्पस सर्व नहीं करेंगे कि जो आपका जो है वो डाटा को उस डीप लर्निंग फॉर्म से में आपके होगा। वो ले जी, वो डीप लर्निंग से होगा, वो नेचर ही डिफरेंट है, ये एक्चुअली कहना वो चाहिए। पहले मैनुअल काम होता था ना, जो लेयर्स के अंदर जो मॉडल है वो आपको पता है, वो थोड़ा सा फीचर इंजीनियरिंग मैनुअल थी सारी, ठीक है ना। हर मॉडल के अंदर कोई फार्मूला नहीं था पेट, ठीक है ना सर। और डीप लर्निंग में आपको पता है कि ये फार्मुलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़्यादा आ गई है, डेटे से फीचर एक्सट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, और स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जा रहे हैं लोग। और चूंकि मॉडल खुद जो है वो फीचर इंजीनियरिंग कर रहा होता है, वो जो सारी उसके अंदर ऑटोमेटेड होती है डीप लर्निंग में। और ये जो शैलो है इसके अंदर आपको पता है जितनी भी लेयर्स आप बनाते जाएंगे, चूंकि वो मैनुअल इंजीनियरिंग काम है, तो उसमें वो ज़रूरी नहीं हर एक आउटपुट जो है ना वो सेम हो, ऑप्टिमल हो, जितने भी मॉडल बने हैं उसके अंदर आप जितनी मर्जी लेयर्स इन्वॉल्व करते जाएँ, ठीक है ना। तो ये यही वो मेरा कहना चाह रहा है। सही। अच्छा, ये आपने, अली भाई ने भेजा है क्या, इट स्टैंड्स फॉर द आइडिया ऑफ सक्सेसफुल लेयर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हाउ मेनी लेयर्स कंट्रीब्यूट टू अ मॉडल ऑफ द डेटा इज कॉल्ड द डेप्थ ऑफ द मॉडल। जब वो डेप्थ है ना, वो डेप्थ जो है आपके लेयर्स, लेयर्स की डेप्थ की बात करें ना। हाँ जी, वो लेयर्स की डेप्थ, वो आपके डीप लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में है। अभी फिलहाल हम ये इसमें आपस में इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि डीप लर्निंग और शैलो मशीन लर्निंग के अंदर क्या डिफरेंशिएशन है। अगले सेंटेंस में सर वो डिफरेंशिएट कर रहा है कि क्यों नहीं हो सकता, वो अगले में बता रहा हाँ, है जब डीप वो लर्निंग हमें को जरा डिस्कस कर मजीद क्लियर हो जाएगा जब हम ये पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा, इन प्रैक्टिस सक्सेसिव एप्लीकेशंस ऑफ शैलो लर्निंग मेथड्स प्रोड्यूस फास्ट डिमिनिशिंग रिटर्न्स बिकॉज द ऑप्टिमल फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्टिमल फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन लेयर इन अ थ्री लेयर मॉडल इजेंट द ऑप्टिमल फर्स्ट लेयर इन अ वन लेयर मॉडल और टू लेयर मॉडल। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेटिव अबाउट डीप लर्निंग इज दैट इट अलाउज अ मॉडल टू लर्न ऑल लेयर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन जॉइंटली एट द सेम टाइम रादर देन अ सक्सेशन ग्रिडली एज इट इज कॉल्ड। With joint feature learning, whenever a model adjusts one of its internal features, all other features that depend on it automatically adapt to the change.
without requiring human intervention. Everything is supervised by a single feedback signal. Every change in the model serves the end goal. This is much more powerful than greedily stacking shallow models, because it allows for complex abstract representations to be learned by breaking them down into long series of intermediate spaces layers. Each space is only a simple transformation away from the previous one. तो अब इसमें जो है ये चीज हो गई कि असल में है क्या, जो आपका जो डीप लर्निंग हो रही होती है ना, डीप लर्निंग में क्या है कि आपकी हर लेयर जो है रिप्रेजेंटेशंस को लर्न कर रही है, लेकिन सारी लेयर्स जो हैं जॉइंटली लर्न कर रही हैं, ठीक है। कोई भी अगर लेयर एक फीचर्स को चेंज करेगी या उसके वेट्स जो हैं वो चेंज होंगे, तो उसके मुताबिक अगली सारी लेयर्स जो है ना अपने वेट्स को जो है ना एडजस्ट कर लेंगी उसी हिसाब से। तो उसका मतलब यह है कि वो सारे जो हैं वो असल में क्या करें, एंड गोल जो है हमारा, एंड रिजल्ट है, उसको जो है इम्प्रूव करने के लिए सारी लेयर्स एडजस्ट कर रही हैं अपने वेट्स को एट द सेम टाइम। ये जॉइंट लर्निंग है। तो एंड रिजल्ट क्या है, वो आप लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं या एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं, तो वो आपका एंड रिजल्ट होता है। तो सारी की सारी लेयर्स जो हैं वो, यानी कि सारे जैसे एक मजदूर हैं, सारे के सारे एक बिल्डिंग बनाने पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे इस ये लेयर्स जो है वो ऐसा काम करें कि उनका पर्पज एक ही है, उनका पर्पज ये है कि सारे के सारे जो हैं लेयर्स जो हैं वो जॉइंटली लर्न कर रही हैं फीचर्स को, ठीक है। तो वेयर एज अगर हम दूसरी इसमें अगर इसकी बात करें, अगर शैलो मशीन लर्निंग की, तो उसमें अगर हम लेयर्स को स्टैक करें तो वो जॉइंट लर्निंग नहीं होगी फीचर्स की, ठीक है। तो जॉइंट लर्निंग नहीं होगी, वो हर लेयर अपना अलहदा से काम कर रही होगी, ठीक है। उससे जो है वो आपके रिजल्ट वो नहीं आएंगे, मेरा जहां तक मुझे समझ आई है, ठीक है। तो ये कह रहा है जैसे दिस इज मच मोर पावरफुल देन ग्रीडीली स्टैकिंग शैलो मॉडल्स, मतलब आप ग्रीडीली स्टैक करें डिफरेंट शैलो मॉडल्स को वन आफ्टर द अदर, ठीक है, तो वो बेटर नहीं है डीप लर्निंग से। डीप लर्निंग बेटर है because it allows for complex abstract representation to be learned by breaking them down into long series of intermediate spaces layer. yani ki aap jo deep learning hai na aapki, wo deep learning kya karti hai, wo bahut complex features ko aur abstract representations ko kya karti hai, wo break karti hai chote chote tukdon mein, chote chote pieces mein, aur har layer apne pieces ko learn karti hai, theek hai। Each space is only a simple transformation away from its previous one, ठीक है। तो आपकी जो हर जो स्पेस है वो क्या करती है, हर ट्रांसफॉर्मेशन को लर्न करती है, ठीक है। तो ये है डीप लर्निंग का फायदा। ये क्या उसने कहा, फ्रॉम स्पेस इज ओनली द सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन अवे फ्रॉम, आपकी जो हर स्पेस है या हर लेयर है तो वो अलग अलग फीचर्स को, अलग अलग पार्ट को, उसके आपकी जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हैं इमेज के पार्ट्स, इसकी एग्जांपल क्या होगी सर, पैटर्न इसकी एग्जांपल क्या होगी, इसकी एग्जांपल आपके पास जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमने जो इमेज नेट का वो पढ़ा, आपको पता है इमेज नेट में क्या होता है, हर लेयर डिफरेंट फीचर्स को लर्न कर रही होती। मिसाल के तौर पे आप VGG16 की बात करें तो जो शुरू की लेयर्स हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस को लर्न कर रही हैं या वर्टिकल लाइंस को या कर्व्स को, ठीक है, या कलर्स को। उसके बाद जो जैसे जैसे आप आगे चले जाते हैं तो वो जो एब्स्ट्रैक्ट फीचर्स हैं वो लर्न करना, यानी कि जो हायर लेयर्स हैं, एंड वाली लेयर्स हैं, वो आपकी जो है ना कॉन्क्रीट शेप्स को लर्न करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमने बुक में पढ़ा था कि बिल्ली का जो है कान है या नाक है या उसकी आंखें हैं या उसकी बिल्ली की मूंछें हैं या बिल्ली के होंठ हैं, तो हर लेयर अलग-अलग या हर जो आपके फिल्टर है वो अलग-अलग फीचर को टारगेट करता शुरू करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये जो है आपकी बहुत डीप आपकी लर्निंग या डीप फीचर लर्निंग जो हो जाती है, आपकी जो फीचर मैप्स हैं वो हर लेयर डीप फीचर मैप्स को, अलग-अलग फीचर मैप्स को लर्न करना शुरू कर देती है, ठीक है।
ये चीज। ठीक है, लेकिन अगर दोबारा मैं टीच आप करूंगा, इमेज टाइम प्रोसेसिंग खत्म अगर करें SVM के थ्रू या किसी और शैलो मशीन लर्निंग के थ्रू, उसमें क्या होगा, उसमें आपको पहले ये जो इस तरह की जो फीचर इंजीनियरिंग है वो हमें खुद से करनी पड़ेगी, एनालिसिस के जरिए या लूप्स लगा के या इस तरह कुछ करके या कुछ एल्गोरिथम्स लगा के हमें खुद से ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जी, ये अगर इस तरह की शेप हो तो ये क्या है, इस तरह की शेप हो तो उसमें सेगमेंटेशन क्या है, बिल्ली की आंख क्या होगी, उसका नाक क्या होगा, उसका कान क्या होगा, इस तरह के इमेज। तो उसमें वो हिस्टोग्राम के जरिए हमें वो पहले बना के सारा कुछ, उसके बाद फिर डाटा को आप जो है वो मतलब करेंगे प्रोसेस, उसके बाद आप शैलो मशीन लर्निंग का यूज करेंगे। तो फीचर इंजीनियरिंग हमें करनी पड़ जाएगी बहुत सारी। ठीक है, इमेज के साथ, जो कि टेंसर फ्लो का उसके साथ, यानी कि वो इस पे कलाम नहीं है। पॉइंट ये है, पहले एक मॉडल पे हम काम करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसको एक कंप्लीट पैकेज बनाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह ये अभी आप कह रहे हैं कि बल्कि हम डॉकर पे स्टार्ट करें। जी वैसे जी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज शुरू हो गई है। ठीक है, मैं कहता हूँ इस पे काम करते हैं, छोड़ें इस चीज को, हम करते हैं काम, हम सारे देखें, एक एक नहीं होता है इसमें दिमाग और 15 दिमाग 15 होते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि हम इस पे ना काम करते हैं, ऐसा करते हैं फिलहाल, बेशक किसी को अगर वेब पे आता है काम तो एक इंटरफेस बनाए उसको, हम जो है ना एक डॉकर इमेजेस बनाते हैं, दो डॉकर इमेजेस, उसके ऊपर काम प्रैक्टिकल करते हैं ना, ताकि हमें पता चले यार ये काम होता कैसे है। ठीक मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं है, ये चाहता हूँ कि कुछ कुछ ना, ये जो चैप्टर हम पढ़ लें तो हम इसी चीज को, ये रिकॉर्डिंग तो हो ही गई है, रिकॉर्ड में आ गई है, तो हम इस चीज पे आ जाते हैं। मतलब ये हमारा हो गया कि हमने आगे मूव फॉरवर्ड क्या करना है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ, क्योंकि अभी ये है, अभी सर्टन कंसेप्ट में ये देखा हूँ बेसिक हमारे मेरे से स्किप हो गए हुए हैं, तो इन चीजों को थोड़ा सा कर लें फ्यू चैप्टर, मतलब 4 to 5 6, जब हम वो ही जो सेकंड पोर्शन वाला स्टार्ट होता है ना, जैसे हम कोई स्पीच रिकॉग्निशन की कोई बना लेते हैं एक, पहले तो इस चीज में ना, पहले हम अभी हम मॉडल ट्रेन पे हैं, ये बनाना, ये जो अभी कर रहे हैं ये इतना मसला नहीं होगा। अभी पहले हम इस पे एक दफा एक चीज पे आए, एक प्रोडक्ट कोई अच्छी सी बना लें और उसकी अच्छी सी एक्यूरेसी ले आए, उसको टेस्ट कर लें, फिर हम इसकी तरफ आ जाते हैं, ये इतना मसला नहीं होगा। क्योंकि ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट है, पता है क्यों, डेकोर हमने किया लेकिन हमने उसके पेपर मैंने जैसे दिए, मुझे पता है कि मैंने कैसे लेकिन ब्रेक डाउन कर लेते हैं ना सर, दिया। ब्रेक डाउन कर लेते हैं सर, ब्रेक डाउन कर लेते हैं ना। ब्रेक डाउन ये है कि पहले एक्चुअल वर्क क्या है, एक्चुअल वर्क हमारा डीप लर्निंग का है, ठीक है, पहले ठीक है, फिर वो सर, पहले हम इसको एक कर लेते हैं, पहले तो एक एप्लीकेशन हो जाए कि जो हमारी एप्लीकेशन हो, समझे ना, मतलब जो हमारे जो 10 15 14 15 जो दो, पहले हम उस पे आ जाए, तो अदरवाइज फिर वो, ये इसे कहते हैं उर्दू अच्छी में खलते मबहस हो जाएगा, ठीक है, कि हम चीज करने क्या निकले हैं, फिर अल्टीमेटली उससे हटके फिर हम पता क्या हो जाए, वेब सर्विसेज सीखने पे लग जाएंगे या उसके डॉकर, क्योंकि हर चीज इंटरेस्टिंग होती है, उसकी डेप्थ में लूज, जैसे कल हम मैथ्स में लूज हो रहे थे और फिर कोई स्टैट्स में डेप्थ में, तो असल पहले लेट, मतलब एक लेट दिस बुक फिनिश, ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप है, हम इसे एक माह में खत्म कर लेते हैं, 2 माह में, 1.5 महीने, एक अंडरस्टैंडिंग करके, डिस्कशन करके, ये हमारे पॉइंट है। एजेंडा कोई आप किसी को, यानी कि कहते हैं वो ये लिखता जाए कि इसके बाद हमने क्या करना है, कि हमने फुल फ्लेज प्रोडक्ट बनानी है, जब फुल फ्लेज जाएगी तो ज्यादा ऑटोमेटिकली फिर मैं डिस्कशन आपको चल बताता हूँ, जाएगा। ज्यादा एक 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 अर्ज बताता हूँ, अर्ज ये ना कि ये वेब वेब सर्विस को छोड़ें, फर्ज फर्ज किया वेब सर्विस को छोड़ें, हम वेब सर्विस नहीं बनाते, दो डॉकर इमेजेस बिल्ड करके, ये बंदा खुद, हर बंदा अपने तौर पे भी ट्राई कर सकता है फ्री वर्क टाइम में, ये मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पे करें। ठीक है, और जो जिसकी फाइंडिंग हो तो वो हमें शेयर कर दे तो उसकी मेहरबानी होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ट्राई करें, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना कैसे है, आप लोग सारे सुन रहे हैं, आपने दो डॉकर इमेजेस बनानी है, आपने वेब सर्विस नहीं बनानी, और उसको आपस में कम्युनिकेट कराना है, उसकी API को ओपन करना है, टेंसर फ्लो सर्विंग के API को ओपन करेंगे। ठीक है, इसको इसको आप ओपन करेंगे इसके लिए, इस वेब सर्विस, यहाँ पे जो वेब सर्विस नहीं, ये एक सिर्फ एक डॉकर होगा आपका अलहदा से, तो इसमें से आपने कॉल करना है ये कर्ल कमांड को। ठीक है, और कर्ल कमांड को कॉल करके इसने आप इसमें आपने इस मॉडल का नाम देना है साथ, और उसे प्रोडिक्शन करानी है, और वापस आपको रिजल्ट आना चाहिए, बस सिंपली आपके CMD में ये काम होगा, आपके कमांड लाइन में ये काम होगा, सिंपली नथिंग एल्स। तो ये बड़ा सिंपल सा काम है, कोई कर ले तो, क्योंकि मैंने अभी ट्राई नहीं किया तो, क्योंकि मुझे डॉकर ही सारी भूली हुई है,
तो मैंने अभी सर ट्राई नहीं वो किया। बस शिजाज साहब का कहना बजा है कि आप उसको ना बेहतर तो ये है कि पहले ये चीजें जो फ्लो में चल रही हैं इसको हम चलने दें, ये कोई इतना बड़ी गेम नहीं है हाँ नहीं, इसको है तो जो नहीं गवर्नमेंट गेम बड़ी, गेम बड़ी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। चलें आगे शुरू करते हैं जो अपना मॉडल टॉपिक। बना लेगा वो डिप्लॉय भी कर पता लेगा क्या सर, वो मेरा प्रोफेशनल पॉइंट क्या चीज है, जब आप इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहे होते हैं ना, जब आप इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहे होते हैं और एक खास किस्म का, अगर आप उसके मल्टीपल कर देंगे ना, ये हर एक चीज डॉकर अपने अंदर एक साइंस है, जिस तरह डीप लर्निंग अपने अंदर एक साइंस है, वो फिर पॉइंट ये होता है जब उधर जाते हैं तो फिर उसमें आपकी डेप्थ होती है, इंटरेस्ट उधर डेवलप हो जाता है, आप इधर इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। तो मेरा ये पॉइंट था कि अभी हम क्योंकि जिस चीज के लिए ये आइडियाज अच्छे हैं, जो ही हमने किसी प्रोडक्ट की तरफ जाना है अल्टीमेटली फिर ये चीज डिस्कशन होनी है, हम उस वक्त भी ये इसको लेकिन तब हम बेटर एबल होंगे कि अपने आप को असेस करने के लिए और उस चीज को करने के लिए भी, क्योंकि हम एक चीज कर अगर वगर ना इतने एक्शन पॉइंट खुल जाएंगे फिर ये होगा कि फिर वी विल नेवर एबल टू फिनिश दिस बुक, क्योंकि हर एक के बाद चलें आपको कोई ना कोई आएगा। ठीक है ठीक है। जो हमारा ये जो टाइम है ना, इसका टारगेट हमारा है बुक को फॉलो करना इस वक्त, ठीक है। बाकी जो है, अगर बंदा कोई करना चाहता है अपने फ्री टाइम में खुद से पर्सनली, वो इसको ट्राई कर सकता है और बाद में अगर किसी से शेयर कर दे तो जी जी ये और बिल्कुल 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 सही, ठीक है। बाकी तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला पैराग्राफ हो गया यहाँ तक जी, ये हो गया, नेक्स्ट चलें आगे। नहीं सर, नहीं नहीं सर, ये पढ़ने वाला वो अभी तो हमने वो पहले आप जितने ही पढ़ा था, जरा थोड़ा ये पैरा रह गया, ये जो अच्छा इससे लेके ना चलें, इससे ऊपर वाला यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देर आर इस हाँ ये देर आर टू जी देर आर टू जी एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउ डीप लर्न फ्रॉम डेटा, द इंक्रीमेंटल लेयर बाय लेयर वे इन विच इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशंस आर डेवलप्ड। तो आपके सिक्वेंशियली जो आपके लेयर ज्वाइन हुई हैं, हर लेयर बाय लेयर जो है वो हर लेयर अपने कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो लर्न करती है, ठीक है। एंड द फैक्ट दैट दीज इंटरमीडिएट इंक्रीमेंटल रिप्रेजेंटेशन आर लर्न ज्वाइंटली, ईच लेयर बीइंग अपडेटेड टू फॉलो बोथ रिप्रेजेंटेशनल नीड्स ऑफ द लेयर अबव एंड द नीड्स ऑफ द लेयर बिलो, ठीक है। आपकी हर लेयर जो है अपनी से ऊपर वाली लेयर और अपने से नीचे वाली लेयर दोनों के मुताबिक अपनी रिप्रेजेंटेशन को लर्न कर रही होती है, दोनों को फॉलो करते हुए, दोनों की क्या बोलते हैं नीड्स को। Together, these two properties have made deep learning vastly more successful than previous approaches of machine learning. जी बताएं कितनी कुछ। हाँ अच्छा आगे चलते हैं। असल में जो मशीन लर्निंग की बात हो रही थी ना कि ये क्या वजह है भाई, ये डीप लर्निंग क्यों प्रेफरेबल है, ह्यूज यानी कि जो टास्क हैं, जैसे कि ज्यादातर आपकी कंप्यूटर विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, उनमें डीप लर्निंग ज्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है। ज्यादा बल्कि प्रेफरेबल नहीं, अडॉप्ट ही वही करते हैं। उसकी वजह यही है कि आपकी जो फीचर इंजीनियरिंग है उसमें हमें वो करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो आपका एक फ्लैट डेटा होता है, जैसे आपका हाउस प्राइस है या कार प्राइस प्रेडिक्शन है या इस तरह की जो कि कुछ सिंपल टास्क है, ठीक है, उसके अंदर आपको फीचर इंजीनियरिंग इससे ज्यादा नहीं करनी पड़ती, ठीक है। क्योंकि फीचर्स हैं आपके, फ्लैट फीचर्स हैं, आपने उसको उसमें थोड़ा बहुत आपके आउटलायर्स डेटा के हटाए, उसमें डेटा को आपने नॉर्मलाइज किया और देन इट इज रेडी टू गो फॉर द लर्निंग, यानी मशीन लर्निंग मॉडल में आप डाल सकते हैं और आपको रिजल्ट भी देगा वो, जैसे आपके ये रैंडम फॉरेस्ट है या आपका क्या है, रैंडम फॉरेस्ट है और आपका डिसीजन ट्री है या आपका एंसेंबल मेथड ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट बूस्टिंग है ग्रेडियंट एसवीएम में। बूस्टिंग है, तो ये सारे आपको ये भी देंगे रिजल्ट, ठीक है। ये क्योंकि सिंपल टास्क है, लेकिन जो आपका डेंस यानी कि इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स टास्क है, इमेज इमेज सेगमेंटेशन है, रिकॉग्निशन है, तो ये जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, इसमें आप वो फीचर आपको एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे जो कि आपने अपने मॉडल को फीड करने हैं, वो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। इसलिए जो आपका कंप्यूटर विजन के प्रॉब्लम्स में ज्यादातर क्या यही जो है ना आपका चलता है डीप लर्निंग वाला मॉडल, ठीक है। तो जिस तरह के आपके फीचर्स, जैसे आपके लैंग्वेज का है, लैंग्वेज में भी आपके ज्यादा यही डीप लर्निंग ही चलती है, ठीक है। तो क्योंकि आपके लैंग्वेज जो नेचुरल लैंग्वेज के जो प्रोसेसिंग का जो मॉडल है या टाइम सीरीज फोरकास्टिंग है, इसके ये बहुत ज्यादा इसमें फीचर्स आ जाते हैं। आगे आगे जी, आपका द मॉडर्न मशीन लर्निंग लैंडस्केप, इसमें आपके जो है अ ग्रेट वे टू गेट अ सेंस ऑफ करंट लैंडस्केप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एंड टूल इज टू लुक एट द मशीन लर्निंग कंपटीशन ऑन कैगल। ड्यू टू इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, सम कंटेस्ट हैव थाउजेंड्स ऑफ इंटर्न्स एंड मिलियन डॉलर प्राइजेस
and to the wide variety of machine learning problem covered, Kaggle offers a realistic way to assess what work and what work doesn't work. So what kind of algorithm is reliably winning the competitions? What tools do top interns use? In early 2019, Kaggle ran a survey asking teams to that ended in the top five of any competition since 2017, which primary software tool they had used in the competition. See figure 1.12. It turned out that top teams tend to use either deep learning methods most often via Keras library. So Keras library mein jo hai deep learning ke strong, bade strong kisam ke aapke libraries hain deep learning ki, to wo jo hai top pe raha hai. और उसके बाद जो है आपके पास जो है ग्रेडिएंट बूस्टेड है ट्रीज हैं या लाइट जीबीएम और एक्सजी बूस्ट लाइब्रेरीज जो हैं वो यूज हुई हैं उसके बाद. तो पाइटॉर्च जो है वो फोर्थ नंबर पे है, टेंसर फ्लो जो है वो फिफ्थ नंबर पे है. हालांकि केरस जो है वो टेंसर फ्लो का ही एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि हाई लेवल पे जो है वो ये चल रही होती टेंसर फ्लो, और एब्स्ट्रैक्शन लेवल के ऊपर केरस जो है वो एक एपीआई है एक किस्म के जो एक्सपोज वो करता है, लेकिन बेस में जो है वो टेंसर फ्लो ही चल रहा होता है. ठीक है, इसे सर ये जो कलर कॉम्बिनेशन, अच्छा क्लासिक और डीप, क्लासिक और डीप में क्या फर्क है? जो कलर कॉम्बिनेशन है इसने दिया है वो थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा है ना नीचे नीचे की तरफ, नीचे नीचे लिखा हुआ है क्लासिक है और एक डीप है, कलर को उसने प्रेजेंट किया है और हाँ डीप लर्निंग की है वो, डीप लर्निंग की है और वो जो है वो शैलो के है, शैलो की, शैलो की साइकिट लर्न जो है, साइकिट लर्न आपका जो है ज्यादातर इसमें जो लाइब्रेरीज है सारी की सारी आपको पता है मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज इसमें ऑप्टिमाइज्ड है, और ये जो सर ये भी सारे मशीन लर्निंग के हैं, क्योंकि इसलिए हमने लाइट जीबीबीएम जीबीपीएम नहीं पढ़ा और इसलिए. अच्छा एक ये है कि इसके टेक्स्ट में ही पता लगता है कि एक्चुअली डीप लर्निंग भी मशीन लर्निंग है, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है कि वो मशीन जो शैलो लर्निंग है वो जो है वो अदर देन डीप लर्निंग वो शैलो लर्निंग है, दोनों मशीन लर्निंग है डीप भी और जो शैलो भी. तो वो यानी कि एक्चुअली डिफरेंस वो कहना चाहिए हमें कि शैलो जो है लर्निंग और डीप लर्निंग कौन सी लाइब्रेरीज है, तो ये जिस तरह से इन्होंने किया डीप और क्लासिक. ठीक है तो आगे चलते हैं. इट इज नॉट जस्ट कंपटीशन चैंपियंस इधर, Kaggle also runs a yearly survey among machine learning and data science professionals worldwide with tens of thousands of respondents. This survey is one of our most reliable resources about the state of the industry. Figure 1.13 shows the percentage of usage of different machine learning software frameworks. तो आपके पास जो है ये जेनरिकली जो है वो कहता है कि वर्ल्ड वाइड जो है लोग जो इसको रेट करते हैं, तो साइकिट लर्न जो है वो टॉप पे है, टेंसर फ्लो केरस जो है वो 50% इस तरीके से. ये इधर केरस नीचे आ गया है, इधर है आपके असल में जो कैगल के ऊपर है वो ये रेशियो चल रही है. ठीक है कैगल के ऊपर, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड जो लोग यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री में या डिफरेंट प्रोफेशनल डेटा साइंसिस प्रोफेशनल जो है वो जो रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं. आगे चलते हैं. टूल यूजेज अक्रॉस द मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस इंडस्ट्री सोर्स, कैगल वालों की ये रिसर्च है बेसिकली, लेकिन ये इट परटेन्स टू वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोफेशनल्स इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग. तो आपका ये जो सर्वे है ये एक जेनेरिक सर्वे है, वो जो ऊपर वाला सर्वे है वो सिर्फ कैगल कॉम्पिटिशन के ऊपर जो सर्वे है ये वाला. From 2016 to 2020, the entire machine learning and data science industry has been dominated by these two approaches, deep learning and gradient boost trees. ठीक है, आपकी जो industry है असल में, ठीक है, industry जो है वो ये use कर रही थी 2016 से 2020 तक, आपके ये deep learning और gradient boost trees. Specifically, gradient boost trees is used to problem where structured data is available. ठीक है, आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए. वेयर एज डीप लर्निंग इज यूज्ड फॉर परसेप्चुअल प्रॉब्लम सच एज इमेज क्लासिफिकेशन. तो आपके देखें ये दैट मींस के बहुत सारे जो आपके दूसरे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपका टेबुलर डेटा है या आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा है, जैसे कि रोज एंड कॉलम्स में आपके पास सारा डेटा मौजूद है, स्ट्रक्चर्ड है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, उसमें आउटलायर्स वगैरह नहीं है या इन एबनॉर्मल डेटा नहीं है इस तरह का, तो वो जो है वो सारे प्रॉब्लम जो है वो इससे सॉल्व हो रहे थे ग्रेडिएंट बूस्ट से. एसजी बूस्ट जो होता है, और जो आपके कंप्यूटर विजन के प्रॉब्लम है सारे वो सारे के सारे किससे सॉल्व हो रहे हैं, वो आपके डीप लर्निंग से सॉल्व हो रहे हैं. तो अब यहाँ पे हमें एक चीज हमें मिल गई, दैट मींस एसजी बूस्ट जो है,
XGBoost या ग्रेडियंट बूस्ट जो आपके ट्रीज हैं वो बेटर परफॉर्म कर रहे होंगे आपके नॉर्मल स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर, जैसे कि हाउस प्राइस है एंड कार प्राइस प्रेडिक्शन है या इस तरह की चीजें, या आपके मेरा ख्याल में जो इवन के जो आपका कैंसर है या नॉट कैंसर है या इस तरह की कोई दूसरी बीमारियां हैं, तो इस वो जो इमेज रिकग्निशन है वो तो खैर डीप लर्निंग से होगा, जिसके अंदर डाटा आपके पास मौजूद है स्ट्रक्चर्ड, जो रोज कॉलम में आपके पास डाटा मौजूद है, तो वो जो है ना XGBoost से प्रेफरेबली शायद उसमें हो रहा है. यूजर्स ऑफ ग्रेडिएंट बूस्ट ट्रीज टेंड टू यूज scikit-learn. आपके XGBoost जो है वो scikit-learn में मौजूद है ये वाली लाइब्रेरी, या आपका लाइट GBM ये भी एक लाइब्रेरी है जो कि मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी, ये दोनों मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज हैं जो ये मेरे ख्याल में यूज इंडस्ट्री में ज्यादा होती हैं. Meanwhile, most practitioners of deep learning use Keras often in combination with its parent framework TensorFlow. So TensorFlow, क्योंकि आप जो Keras है आपका TensorFlow के ऊपर base करता है. The common point of these tools is they are all Python libraries. Python is by far the most widely used language for machine learning and data science. There are two techniques you should be most familiar with in order to be successful in applied machine learning today: gradient boost trees. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर शैलो मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड डीप लर्निंग फॉर परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स. यानी कि आप कंप्यूटर विजन के लिए जो है आपको डीप लर्निंग पता होना चाहिए, और ग्रेडिएंट बूस्ट जो है ना आपको दूसरे शैलो मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स के लिए जैसे वो यूज करें. तो ये आपका हमें यहाँ पे बहुत अच्छा एक लेसन मिल गया, क्योंकि हमने कल काफी सारी डिस्कशन की थी और आज भी इस पर काफी हमने डिस्कशन की, तो हमें पता चल गया कि सिंपल प्रॉब्लम्स जो हैं जो कि आपके पास स्ट्रक्चर डाटा मौजूद हो, तो उसके लिए प्रेफरेबली जो है ग्रेडिएंट बूस्ट ट्रीज यूज करें scikit-learn के लिए, scikit-learn में. और शैलो मतलब और दूसरे जो परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं कंप्यूटर विजन रिलेटेड, तो वो जो है डीप लर्निंग यूज करें. इन टेक्निकल टर्म्स दिस मीन्स यू विल नीड टू बी फैमिलियर विद scikit-learn, XGBoost एंड Keras, द थ्री लाइब्रेरीज दैट करंटली डोमिनेट Kaggle कॉम्पिटिशंस. विद दिस बुक इन हैंड यू आर ऑलरेडी वन बिग स्टेप क्लोजर. तो आपके पास XGBoost, Keras और ये मेरे ख्याल में जो BGM, GBM जो है, ये तीन लाइब्रेरी के आपके पास XGBoost, Light, GBM और आपके पास जो है अच्छा ये जो है scikit-learn, XGBoost और Keras, ये तीन चीजें जो है असल में scikit-learn के अंदर XGBoost है, और आपके पास ये जो है लेफ्ट राइट जीबी नहीं सर, ये scikit के अंदर नहीं XG, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये कह रहा था कि XGBoost और लाइट GBM में XGBoost अलग से लाइब्रेरी है और scikit-learn अलग से लाइब्रेरी है और Keras अलग से है. अब वो या कर रहा था उसके अंदर के लाइट GBM उसका एडवांस आ गया, मतलब शायद वो IBM वालों के लाइट GBM, तो वो एक्चुअली अब जो कैगल में यूज हो रहा है ना लाइट GBM उससे भी आगे चली गई है XGBoost की निस्बत. लोग जब यूज करना जहां XGBoost को कर रहे थे उसकी जगह लाइट GBM, तो इसलिए उसने जल्दी कह दिया एक्चुअली लाइट GBM या XGBoost इनमें ये है, और scikit-learn इन इटसेल्फ उसे करना है क्योंकि वो एक वो अलग से है उसे करना है, और इसके अलावा Keras तो डीपली करने का. मतलब ये है कि यानी वो अलग अलग जी जी ठीक है, ये दोनों तीनों उसको अलग-अलग उसने मेंशन किया. scikit-learn में एक्चुअली बेसिकली जो है आपकी सारी की सारी जो है SVM है, जो ये चीजें सारी SVM है, decision tree है, बिल्कुल होगा, लेकिन टेक्निक से नहीं, वो सर्टन सर्टन फीचर्स होते हैं कि जिसके अंदर वो यानी कि आप वो में ये करते होंगे नॉर्मलाइज करने के लिए डाटा को, या जो बेसिक उसकी करने के लिए उसे डाटा को रेडी करने के लिए scikit-learn को यूज कर रहे होंगे, उसका नॉर्मलाइज उसका PCA वगैरह ये करने, बाकी लेटर ऑन जो उसके एल्गोरिदम होंगे हो सकता है कि उसके अंदर अच्छे इंप्लीमेंट किए हुए हों इनमें से, तो वो जब हम उनको एक्सप्लोर करेंगे, अभी तो हम डीप लर्निंग से नहीं निकले, जब इससे निकलेंगे देन विल बी नोइंग ओके एक्चुअली डिफरेंस क्या है. तो मेरे ख्याल में जहां तक scikit-learn को हमने देखा कि वो डाटा को इनिशियली प्रिपेयर करने के लिए क्वाइट इफेक्टिव, जैसे हमने शुरू में करके देखा भी था जब हम वो असाइनमेंट्स कर रहे थे पिछले सेमेस्टर में, तो उसके बाद फिर उसके मजीद उसके ऊपर जो एल्गो लगाने हैं तो वो SVM वगैरह हो सकता है उसके अंदर इम्प्लीमेंट हो सकता है, आई डोंट नो कि उसके अंदर अच्छे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन वो की हुई हो, उसके कोई बेहतर वो फॉर्म हो, तो इस वजह से XGBoost इन कम्बिनेशन ऑफ दैट
और फिर केराज फॉर डीप लर्निंग। सर बस यहाँ पे भी क्लोज करते हैं सर आज, तो फिर बाकी आज थोड़ा सा ये लंबा हो गया चैप्टर, होना नहीं चाहिए था। चलें अच्छी बात है, बहुत सारा डिस्कशन है, तो काफी चीजें जो है हमें आगे फर्दर पता चल रही हैं। तो यहां सर टू से शुरू करें, टू से शुरू कर लें, ये तो वैसे पढ़ लेंगे, बाकी इसमें तो इन्फॉर्मेशन या जनरल चीजें, मैं टू जो इंटेलेक्चुअली जो है ना हमारे इस डीप लर्निंग उसमें ज्यादा टाइम लगाना चाहिए। जी सर जी, आई एग्री, आई विल सेकंड दिस। तो कल से फिर सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, बाकी दो एक पेज रह गए, ये हर कोई अपना पढ़ सकता है इंशाल्लाह। जी सर इंशाल्लाह कल जो है यहां शुरू करेंगे, इसमें काफी सारी चीजें हैं जो ना मतलब कॉन्सेप्चुअल और मतलब काफी सारी चीजें जो हैं आपकी कॉन्सेप्ट इस पे हैंड जोन होते जाएंगे ना, साथ साथ हैंड जोन करते जाएंगे और ये सारा करते जाएंगे इंशाल्लाह। आपके जो है ना ये एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस हैं, और इसके बाद आपका ये ब्रॉडकास्टिंग है, ये सारे टेंसर प्रोडक्ट, ये चीजें और बहुत कुछ है इसके अंदर, तो फिर इंशाल्लाह इसको कल देखते हैं। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका।